पाए जाते हैं वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है। ये हमारे पास फील्ड टेस्टिंग किट है, इसके साथ हम टेस्ट करेंगे और हमें पता चलेगा कि इसमें जो मिनरल्स है उनकी रेंज बिल्कुल सही आ रही है कि नहीं आ रही है। पीएच का टेस्ट, पीएच का टेस्ट करने के लिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास बॉटल है, इसमें हमने क्या किया 4 ml पानी डाला, जिस पानी को टेस्ट करना है वो हम इसमें डालेंगे 4 ml तक। और फिर हमारे पास ये पीएच का रिएजेंट है pH 1, इसकी हमने 2 drops डालनी है। ये पानी कहाँ से लिया? सर ये वार्ड नंबर 6 का है, टैप वाटर। अब हमने क्या करना है, इसमें 2 drops डाली रिएजेंट की pH 1 की, इसको हमने ये चार्ट के साथ मैच करना है। ये पीएच का चार्ट दिया, कलर चार्ट दिया है, अब हम इसका कलर मैच करेंगे। तो इसका कलर जो मैच हो रहा है 8.0 के साथ, इसकी हमारे पास जो रीडिंग है ना वो है 6.5 to 8.5। अगर 6.5 से कम आती है रीडिंग तो इसका मतलब वो पानी एसिडिक है, अगर 8.5 से ज्यादा आती है तो वो पानी बेसिक होगा, और अगर इसकी रीडिंग कम होगी या ज्यादा होगी तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमें स्किन इरिटेशन होगी, मतलब हमारी स्किन पे खुजली होना शुरू हो जाएगी और साथ में आईज में भी इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अगर हमारे पास पीएच कम आ रही है तो हमने उसको इंक्रीज करने के लिए उसमें डालना है सोडा ऐश डालना है, और अगर ज्यादा आ रही है तो उसको कम करने के लिए हमने उसमें सिट्रिक एसिड डालना है। ये हमारा पहला टेस्ट हो गया। ठीक है, पीएच का टेस्ट, इसकी रीडिंग सही आई है, हमारे पास 8.0 आई ना, तो ये बिटवीन आनी चाहिए 6.5 to 8.5, तो ये हमारे पास ठीक आई इसकी रीडिंग। दूसरा टेस्ट हम करेंगे फ्लोराइड का टेस्ट। अब फ्लोराइड का टेस्ट जो है, इससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इससे क्या होता है कि हमारे मतलब टीथ में प्रॉब्लम होती है थोड़ी, इससे क्या होता है वाइट स्केल्स हो जाते हैं टीथ में, आपने कभी देखा होगा टीथ हमारे खराब होते हैं उसमें मतलब थोड़े वाइट स्केल्स टाइप आना शुरू हो जाते हैं, वो किस वजह से होते हैं, फ्लोराइड ज़्यादा होने की वजह से होते हैं। तो इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसमें या तो हम पानी मतलब बॉइल करके पी सकते हैं या फिर इसको डिस्टिलेशन करके पानी को पी सकते हैं ये वाला पानी। तो फ्लोराइड का टेस्ट करने के लिए हमने क्या करना है, सेम प्रोसीजर है, 4 ml हमने पानी लेना है, इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास F1 है फ्लोराइड रिएजेंट, इसका हमने 1 ml डालना है इसमें। ये हमारे पास ड्रॉपर है, ये हमारे पास ड्रॉपर है, ड्रॉपर के साथ हम 1 ml रिएजेंट लेंगे, इस बॉटल में डालेंगे 1 ml और फिर इसको चार्ट के साथ मैच करेंगे। ये फ्लोराइड का चार्ट है, इसके साथ हम मैच करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 0.5। अब ये जो फ्लोराइड की रीडिंग है ना, ये 1.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर 1.5 से ज्यादा आएगी इसका मतलब ये पानी पीने वाला नहीं है, इससे हमें फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसकी रीडिंग हमारे पास बिल्कुल सही आई, इसमें फ्लोराइड ठीक है। हम टेस्ट करेंगे आयरन का। अब आयरन का टेस्ट करने के लिए हमने क्या करना है, 10 ml पानी लेना है, ये बॉटल है, ये 10 ml तक मार्क की हुई, यहां तक हम ये सैंपल डालेंगे। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास अब इसकी जो रिएजेंट है ना आयरन के, ये हमारे पास दो है, एक Fe2 है और एक Fe1 है, Fe1 की हमने इसमें पहले डालनी है 4 drops डालनी है। अब क्या करेंगे, ये Fe2 है ना, ये हमने 2 spoon डालनी है इसमें, ये पाउडर फॉर्म में है, वो लिक्विड में था, ये पाउडर फॉर्म में है, ये हम दो स्पून डालेंगे। शेक करेंगे,
शेक करने के बाद इसको 2-3 मिनट में हम इसके चार्ट के साथ मैच करेंगे। अब आयरन अगर पानी में ज्यादा आता है ना, इसकी रीडिंग है 1.0 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1.0 से कम हो तो ठीक है, अगर 1.0 से ज्यादा आई तो इसका मतलब आयरन ज्यादा है, ये पानी पीने वाला नहीं है। अब अगर आयरन ज्यादा होगा तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम उस पानी को डिस्टिलेशन करके पिए या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस होती है जिसमें क्या होता है कि इम्प्यूरिटीज निकाल दी जाती हैं। ठीक है, फिर वो पानी पिया जाता है। अभी आयरन का टेस्ट कर रहे हैं, इसको अच्छे से हिला के ये कलर चार्ट के साथ हम मैच करेंगे। ये मैच हो रहा है 0.0 रीडिंग के साथ, ये बिल्कुल सही आई, इसमें आयरन भी इसमें बिल्कुल ठीक आई है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे हार्डनेस का टेस्ट करेंगे। अब हार्डनेस का टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमने 10 ml पानी लेना है, इसमें डालेंगे 10 ml पानी। अगर हार्डनेस ज्यादा हो पानी में, इसकी जो रेंज है ना हार्डनेस की, ये 600 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 600 से अगर ज्यादा हुई तो वो हमारे मतलब कि उसकी उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे स्टोमिक में प्रॉब्लम आ सकती है, इससे साथ में स्किन इरिटेशन भी होती है अगर हार्डनेस ज्यादा हुई। कई बार क्या होता है कि हम मतलब सोप वगैरह लगाते हैं ना हाथों को, तो लेकिन वो सोप इतनी झाग नहीं देता है। वो क्यों नहीं इतनी झाग देता, क्योंकि वो हार्ड वाटर होता है। ठीक है, हार्ड वाटर अगर हो तो फिर सोप की इतनी झाग नहीं आती है। तो इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उस पानी में या तो एलम डालेंगे, एलम डाल के भी मतलब हार्डनेस उसकी कम की जा सकती है, और या फिर उसको बॉइल करके पी सकते हैं। अब ये करेंगे हार्डनेस का टेस्ट। इसमें हमने सबसे पहले डालना है H1 भी हमने डालनी है, इसमें 4 ड्रॉप्स डालनी है। इसको हिला के अब हमने इसमें H2 डालना है। H2 डालेंगे, इसको हमने ड्रॉप वाइज डालना है, साथ में इसकी ड्रॉप्स काउंट करते जाना, और जब इसका कलर ब्लू आ जाएगा तब हमने इसकी ड्रॉप्स डालना बंद कर देंगे, और साथ में ड्रॉप्स भी काउंट करते जाना। इसका कलर चेंज हो गया, 10 ड्रॉप्स डाली हमने तो इसका कलर चेंज हो गया, ये ब्लू कलर आ गया, दिख रहा है थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर है ना। तो इसका मतलब अब हमें इसका मल्टीपल फैक्टर दिया है 15, तो 10 आई हमारे पास इसकी ड्रॉप्स, 10 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ गया 150। तो ये हमारी रीडिंग आई 600 से कम आई, इसका मतलब इसकी हार्डनेस भी बिल्कुल सही है, ये पानी ठीक है। इसके बाद करेंगे क्लोराइड का टेस्ट करेंगे। क्लोराइड अगर पानी में ज्यादा हो ना तो इससे क्या होता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन उसमें थोड़ा मतलब अफेक्ट हो सकता है इसका, क्लोराइड का ब्लड सर्कुलेशन पे। कई बार क्या होता है कि अगर क्लोराइड सोडियम के साथ मिक्स होके आए तो उससे हमें बीपी की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो ट्रीटमेंट इसका यही होगा कि डिस्टिलेशन करके पियो पानी, रिवर्स ऑस्मोसिस करके पानी आप वो वाला पी सकते हो। तो क्लोराइड का टेस्ट करने के लिए हमने क्या करना है, 5 ml पानी लेना है। क्लोराइड का टेस्ट करने के लिए हमने क्या करना है, 1 स्पून ये पाउडर डालना है इसमें। अब इसका कलर हो जाएगा पर्पल, ये पाउडर डालना ना, इसका कलर पर्पल हो गया, लाइट पर्पल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम डालेंगे C2 की 2 ड्रॉप्स डालेंगे। C2 की 2 ड्रॉप्स डाली, 1, 2, इसका कलर हो गया येलो। अब हमने C3 रिएजेंट है, इसकी ड्रॉप्स डालनी है। जब इसका कलर पर्पल हो जाएगा तब हमने ये ड्रॉप्स डालना बंद कर देनी है। ठीक है,
वन, ये वन के साथ ही इसका कलर चेंज हो गया। तो इसका हमें मल्टीपल फैक्टर दिया हुआ है 20। वन को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रीडिंग कितनी आई, 20 आई। अब ये जो क्लोराइड है ना, ये 1000 से इसकी रीडिंग ज्यादा नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्लोराइड का टेस्ट भी हो गया। अब हमारे पास एक टर्बिडिटी का टेस्ट आता है और एक बैक्टीरिया का टेस्ट आता है। टर्बिडिटी का टेस्ट हमारा इससे नहीं होता, एफटीके से नहीं होता, और बैक्टीरिया का टेस्ट भी नहीं होता, वो हम लैब में करते हैं, ठीक है। अगर उस टेस्ट में बैक्टीरिया प्रेजेंट आता है ना, तो इसका मतलब हमें वो पानी बॉइल करके पीना, ठीक है। बॉइल करके पियेंगे उस पानी को, और साथ में मतलब उससे जो प्रॉब्लम हो सकती है वो कॉलरा वगैरह, डिसेंट्री वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है।